हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जो है इंस्टाग्राम में ब्लू टिक को लगवाना चाहते हैं, ब्लू टिक कैसे लगाएंगे फ्री में, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो जो है हर कोई व्यक्ति जो है पैसे देके तो ब्लू टिक को लगवा सकता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जो है 639 रुपये का अगर पर मंथ पे करते हैं तो आप जो है यहाँ पर ब्लू टिक को लगवा सकते हैं, इसमें दिखाया जा रहा है। एंड अगर आपको फ्री में ब्लू टिक को लगवाना है कुछ इस तरह से तो कैसे लगवाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। ब्लू टिक लगवाने की आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो है आपके यहाँ पर जो है फॉलोअर्स है, मतलब नहीं चाहिए आपके 50 फॉलोअर्स हो, 100 हो, 200 हो, कितने भी हो, अगर आपको ब्लू टिक लगवाना है तो लगवाने के लिए आपको क्या करना है गाइस, पहले तो आपको जो है अपने अकाउंट को जो है एलिजिबल है या नहीं है ब्लू टिक के लिए वो चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको करना है कि जो अपना इंस्टाग्राम है उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है। अगर आप अपने अकाउंट को प्राइवेट में है तो उसको प्रोफेशनल में करना है। प्रोफेशनल में करने के लिए क्या करना है, 3 लाइन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जाना है आपको, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर चले जाएंगे अकाउंट टाइप एंड टूल्स, और इसमें जाने के बाद क्या करना है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, और इसको क्या करना है पर्सनल अकाउंट से प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड आप जो भी हैं क्रिएटर आर्टिस्ट या जो भी हैं वो कर सकते हैं। एंड करने के बाद इसको डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल पे कर देंगे एंड इसको यहाँ 30 सेकंड में आपका अकाउंट जो क्रिएट हो जाएगा। आर यू क्रिएटर बिजनेस है, क्रिएटर अगर आपके पास कोई शॉप या ब्रांड है तो आप बिजनेस का कर सकते हैं, या फिर क्रिएटर अगर आप कोई कंटेंट बनाते तो। करने के बाद यहाँ से ये हो जाएगा तो यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक कैसे करना है कि आप एलिजिबल है या नहीं है, इसके लिए क्या करना है, 3 लाइन में क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर अकाउंट से स्टेटस में, अकाउंट स्टेटस में जाने के बाद यहाँ पर आपको देख लेना है कि यहाँ पर अगर आपके कोई भी अकाउंट पर कोई भी जो है वॉलेट तो नहीं है। अगर आपके कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा हो, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आपके कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा हो रिमो कंटेंट या कुछ इस तरह का डेस आ रहा हो अगर आपके इंस्टाग्राम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। या फिर अगर आप मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हैं तो उसका कैसे पता करेंगे, अगर आपको इस तरह का आ रहा हो, इस तरह का अगर इस तरह का आ रहा हो यू आर ए करेंटली अनेबल टू मोनेटाइज, इस तरह का आ रहा हो तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, फिर आप जो है ब्लू टिक को ऐड नहीं करवा सकते। तो पहले आपको इसके लिए देखना होगा कि आपने कोई भी प्राइवेसी वॉयलेशन तो नहीं कर रखा है, अगर वॉयलेशन कर रखा हो तो यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, और अगर नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पर जो है मार्क लगे होंगे कुछ इस तरह के। एंड आप रिमो कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का देखने को मिलेगा, योर कंटेंट इज नॉट अफेक्टेड राइट नाउ, इस तरह का देखने को मिलेगा। और अगर आपके एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर इस तरह का राइट नहीं आएगा। फिर आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, यू वे नॉट पोस्टेड एनीथिंग दैट अफेक्टिंग योर अकाउंट स्टेटस, तो अगर आपके अकाउंट पर कोई अफेक्ट पड़ रहा हो, इफेक्ट पड़ रहा हो तो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, तो आप एलिजिबल नहीं है। अब रही बात अगर आप यहाँ से जो है एलिजिबल है कुछ इस तरह का अगर आपके शो हो रहा है, तो फिर आप कैसे करेंगे, कैसे ब्लू टिक को ऐड करवाएंगे, इसके लिए क्या करना है गाइस, आपको फिर मैं आपको जो है जो मेथड बताने वाला हूँ, दो मेथड बताऊँगा, उनके जरिए आप जो है अपने अकाउंट में जो है ब्लू टिक को वेरीफाई पेज को इनेबल करवा सकते हैं। करना क्या है इसके लिए, 3 लाइन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जाना है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है पहले वो बता देता हूँ, फिर सेकेंड प्रोसेस बताऊँगा। फर्स्ट प्रोसेस वैसे कहीं कहीं लोगों के वर्क कर जाती है, क्योंकि ये जो है उन लोगों के ज़्यादा वर्क करती है जिनके फॉलोअर्स या तो 10,000, 20,000, 10 के 20 के लगे हों, तो उनके लिए ये काम कर जाती है। लेकिन अगर आपका जो है 50 या 100 फॉलोअर्स है तो आपको क्या करना है, वो दूसरा प्रोसेस बताऊंगा, उसको अप्लाई करना है। वैसे इसको भी अप्लाई करें ताकि हो सकता है अगर हो जाए आपका, तो रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर क्लिक करना है एंड रिपोर्ट ए प्रॉब्लम इंक्लूड एंड कंटिन्यू। और इससे पहले आपको क्या करना है कि अपना अकाउंट है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट पे जाके और यहाँ से देख लेंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे कुछ इस तरह से। लेने के बाद यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन में यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर कुछ लिखना है जो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको लिखना है, डीएन इंस्टाग्राम टीम, आई हैव ए गुड इनेजमेंट ऑन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आल्सो फेमस ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक एंड मोर, विथ द टोटल इनेजमेंट ऑफ माई ऑल सोशल मीडिया मोर देन मिलियंस, आई हैव ए टोटल ऑडियंस इज मोर देन सो के विच इज ए गुड, आई जस्ट रिमाइंड यू टू प्लीज प्रोवाइड इंस्टाग्राम ब्लू टिक ऑन माई अकाउंट फॉर फ्री एस ए क्रिएटर, तो इस तरह का लिख देना है और इसको सेंड कर देंगे। अगर आपको ये लेना है ये नोट, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं इस वाले अकाउंट पे, या फिर मेरे जो ऑफिशियल अकाउंट है मेरा उस पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एक प्रोसेस ये हो गया। सेकेंड प्रोसेस क्या है कि आपको यहाँ पर सर्च बार में क्लिक करना है,
3 लाइन में क्लिक करके और यहाँ पर सर्च में क्लिक करना है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, ये जो है 50-100 फॉलोअर किसी के भी लिए, इसको क्या करना है कन्फर्म ऑथेनिटी। तो यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है, आपका यूजर नेम यहाँ पर आ जाएगा, आपका फुल नेम आपको यहाँ पर डालना है और डॉक्यूमेंट टाइप में आपको जो है आधार कार्ड पैन कार्ड इसमें डालना है। डालने के बाद यहाँ पर फाइल पर एड फाइल पर क्लिक करके उसको एड भी करना होगा। कन्फर्म नोटेबिलिटी में कैटेगरी कंट्री रीजन आप कौन से कंट्री से, ऑडियंस में ऑप्शनल में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं आपके ऑडियंस किससे रिलेटेड है, जैसे कि आप क्रिएटर हो या जो भी हो। इसमें ऑप्शनल में डबल बार लिखना चाहे लिख सकते हैं लिंक ऑप्शनल, तो आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है उनके लिंक डालना है, जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर की लिंक डालें, अगर आपका कोई ब्रांड है जिसका एप्लीकेशन है तो उसकी लिंक डालें, यूआरएल यहां पर डालें, नेम डालें यहां पर किससे रिलेटेड है एंड दूसरा लिंक डालें। मिनिमम आपको 3 लिंक डालना है, अगर ज़्यादा है तो एड लिंक पर क्लिक करके आप और कर सकते हैं और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका रिव्यू के लिए जाएगा, तो इसको 24-48 आवर का टाइम लगेगा इंस्टाग्राम टीम के पास, एंड 24-48 आवर जैसे ही लगेंगे उसके बाद आपका रिव्यू होएगा और अगर आपको चेक किया जाएगा कि हाँ अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपका अकाउंट है जिसमें जो है फ्री में ब्लूटूथ को ऐड करवा दिया जाएगा, तो ऐसे जो है आप ब्लूटूथ फ्री में लगवा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।